अरुणाचल प्रदेश के सेवा आयोग यानी कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जिस वक्त घोटाला चल रहे थे किसी को पता नहीं चले थे, मगर उस वक्त एक शख्स ने आए जो ग्यामर पादंग जो जिन्होंने काफ़ी चीज़ों को उजागर किया और बिना निडर होते हुए उन्होंने सरकार के खिलाफ ये आवाज़ उठाते वक्त आज लोगों के दिलों में बस गया, जनता के मसीहा की तरह फिर लौट के आए हैं। आपको बता दूं APCS पेपर लीकेज फियास्को जो इस पर काफ़ी चर्चित में है और काफ़ी हंगामा हो रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, और जितना घोटाला था उन्होंने उजागर किया और उसके बाद उन्होंने वो हैदराबाद की ओर रवाना हो गए थे अपना अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट करे। तकरीबन 6 महीने के बाद वो लौट के आए हैं और इस वक्त उसी के दौरान उनके ट्रीटमेंट के दौरान लोगों ने यहाँ बहुत सारा आंदोलन चलाए APCS के मुद्दे को लेके, और बहुत सारे को रिजाइनेशन भी देना पड़ा, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी हुआ और काफ़ी घोटाला पकड़ा गया है पेपर लीकेज का मामले में लेके। और इसी के संदर्भ में आज ग्यामर पादंग जो एक नौजवान है वो उन्होंने उजागर किया था वो आज लौट के आए हैं। सभी लोग उनको स्वागत करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी एयरपोर्ट में ईटानगर के करीब सता हुआ, वहाँ लोगों ने ढेर सारे इकट्ठा किए और उन्हें स्वागत करने के लिए यहाँ सब तैयार हो गए हैं क्योंकि वो जनता का दिल जीते हैं। बता दूं कि कई सारे उनको ऑफर दिए थे लेकिन ठुकरा दिए सरकार की आवाज़ उठाई। चलिए वो क्या कहते हैं अब सुनते हैं। मिल रहा है कि मतलब मेरा कुछ बात ही नहीं बोल सक रहा है हमसे, तो अभी हम आप लोग को पहले सबसे पहले बता दूं अपना हेल्थ के बारे में। मैं हॉस्पिटल गया था तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अभी मेरा ये जो लेफ्ट साइड में जो नर्व्स है ये आर्टिफिशियल है, तो पहले भी थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल था, अभी पूरा ये 90% आर्टिफिशियल है ये लेफ्ट साइड, इसलिए हमको अभी मतलब आदमी को क्लियरली जो पहचान पाना हमको थोड़ा मुश्किल होता है, तो अभी आदमी का मतलब वॉइस क्लियरिटी भी हमको थोड़ा मुश्किल तकलीफ होता है, तो आप लोगों को मैं पहले ये बता दूँ। इसके बाद जो अभी कम्प्लीटली 3 माउंस 4 माउंस हुआ था मेरा ये जो ट्रीटमेंट को, उसके बाद और भी आगे आना जाना होते रहेगा। और बाकी के मेरा जो ये जो है हम तो सोचा था कि मतलब इस बार तो बचेगा नहीं, हम तो हम को इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मेरा भाई बहन और मेरा माँ पिताजी मेरा दोस्त लोग और सारा इंटायर अरुणाचल जो इतना प्यार दिया कि मुझे बचा लिया। तो इसमें हम एक चीज़ इस बार हम देखा है कि पैसा जो होता है ना, पैसा जो पैसा से बरकर भी प्यार जो होता है इसको हम इस बार देखा ही दिया है। जो अभी हमको आप लोग जो प्यार दे रहा है ये हम करोड़ों रुपया से भी खरीदा नहीं जा सकता है, ऐसा है जो इसमें मतलब उसका कुछ ये भी ये ही नहीं है, मतलब उसको कुछ भी चीज़ से खरीदा नहीं जा सकता है। आप लोग का जो प्यार है ना, खास करके आप लोग मीडिया फ्रेंड्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज जो आप लोग का प्यार देख के मेरा जो धन्यवाद वाला वार्ड जो है ना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एनाफ। तो मेरा भाई बहन को और हम अभी ऐसा करेगा जो केस इशू है उसको हम अभी पहुँच के थोड़ा अच्छा से स्टडी करने का, बट आप लोग को हम कल दोबारा मिलेगा हम ऐसा सोच रहा है, तो इसलिए हम अभी जस्ट थोड़ा आप लोग को पहुँचने के लिए रूप थोड़ा दिखा दिया, उसके बाद हम बाकी का बात जो कल हम आप लोगों को एक बार मिलेगा। एज ए विशल ब्लॉगर आपका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है, अभी जो फियास्को हुआ है इसको लेकर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया आपके ऊपर, तो उस पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी, और अभी आपका एजेंडा क्या सोच के रखा है अभी आपने? एक्चुअली आप लोग जो बोलता है कि मुझे हीरो हीरो, एक्चुअली मेरा मेन मकसद है कि मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो सचमुच में मेहनत करते हैं उसको हम हीरो बनाने का मेरा ये मेन मकसद है। मैं खुद हीरो बनने का बिल्कुल मेरा कुछ मकसद नहीं है, मैं हीरो है वो भी नहीं। हम जो जेन्युइन कैंडिडेट है जो डिजर्व करता है उसको हम हीरो का रूप में देखना चाहता है और आगे भी हम यही देखना चाहेगा और कुछ नहीं है।